और गए जी, हम मैच खेलने का इंतजार करते हैं और नतीजे के बाद बात करते हैं। नतीजे से पहले कैसी तैयारी है उस पर भी तो बात करते हैं। मुकाबला होगा कैसे? आपका तो जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड है, या तो किंग कोहली कम बैक कर रहे हैं, 100 T20 आए खेल रहे हैं। मेरी बहन अदिति, एक टीम क्रिपल करती करती है, एक टीम गिव अवे करती करती है, वो गिरती गिरती है, वो पाकिस्तान हो इंडिया हो, जब वो गिरती है ना वो रुकता नहीं है उसका प्रेशर पे। जैसे अगर आपकी दो विकेट, पाकिस्तान देने वाली किस वजह से? पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्लामी मालिक है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ है, माती देंगे इंशाल्लाह, हम विन करेंगे। मुसलमान तो एक पाकिस्तानी दूसरा मुसलमान, इसका ये जज्बे से अगर कोई भी काम करे तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी जगह वो मार खाएगा। वक्त आता है, कमी पेशी होती है हर जगह में, लेकिन इंशाल्लाह उनके जहन में ये भी है दूसरा इंडिया है सामने, तो चाहे इस ग्राउंड से हमारे से लड़का कोई लेके जाए उसको भी आप देख लीजिएगा किस तरह परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर शोएब अख्तर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि मीडिया में पहले से आकर ऐसी बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए कि यार हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे। इंडिया के साथ ऐसा हो चुका है दो बार सीन, 2017 और 2019, सॉरी 19 कह रहा हूँ, ये लास्ट ईयर जो हुआ था। तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान की फ़िलहाल टीम अगर देखें आप तो भारत मजबूत टीम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है यार। आज देखो आप अफगानिस्तान श्रीलंका, श्रीलंका मजबूत टीम है लेकिन अफगानिस्तान भी टक्कर की टीम थी, कितना बुरा हराया। अब देखना आप श्रीलंका के साथ ऐसा सीन ना हो जाए कि बांग्लादेश से भी हार के बाहर हो जाए। तो भारत को भी इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी अपोजिशन को, भारत के जो बाहर बैठे हुए हैं एक्सपर्ट उनको सीधी बात ये बोलना चाहिए कि भारत का पगड़ा भारी है बट मैच कोई भी जीत सकता है। पहले ये वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टीम ऑब्वियसली लुक्स अ वेरी स्ट्रांग टीम, अगेन मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी अ टफ कॉम्पिटिशन, लेकिन हमें बड़ा बहुत बड़ा सेटबैक है शाहिनशाह अफरीदी का, बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं ये समझता हूँ इस दफा हिंदुस्तान टीम बड़े तैयारी के साथ आ रही है, बड़े कैलकुलेशन के साथ आ रही है, तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग दिस के इट्स गोना बी इजी, बट इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान टीम के शाहिनशाह जो नए बॉल से आपकी विकेटें लेते थे वो इंजर्ड हो चुके हैं। बट इट्स अ ग्रेट इमेजेस टू सी दैट यू नो कोहली शेकिंग हैंड्स विद शाहीन एंड मिंगलिंग अराउंड विद पाकिस्तान टीम। ये जज्बा देख के, ये चीजें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन शोएब भी बहुत संभल संभल कर बात कर रहे हैं, कैफ आप नोटिस कर रहे हैं वहां पर नर्वसनेस उसकी वजह आदित्य, उसकी वजह है, उसकी वजह आदित्य, उसकी वजह है, बातें नहीं करनी चाहिए आदित्य, उसकी वजह है। शोएब ने इसकी वजह है भी कहा था, ये पूरा प्लान यही लेके आते हैं हर बार की, ये कहते हैं भाई T20 मुकाबला है, इसमें भविष्यवाणी नहीं चलती, ऑन द डे कोई भी टीम जी सकती है। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था जब यूएई में मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान 10 विकेट से मैच वो जीता था, शोएब अख्तर ने वही बोला था कि भाई देखो मैच के बाद बात करेंगे, और उस दिन उस शाम को इनके पास बातें करने को थी क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया था। उस दफा भी, उस बार भी, उस बार भी वही रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपकी तरफ से बातें ज्यादा हो रही थी, वहां पे बातें ज्यादा हो रही थी, शांत है वो बज्जी बज्जी आज तक मैसेज उस मरतबा भी बज्जी जी जी क्या मैसेज करते मुझे आज मैसेज बजी कहता है मेरे अल्लाह की तौबा कि मैं आइंदा से कभी मैच से पहले कोई बात करूं भाई भाई मुझे बड़ी सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा दैट्स अ राइट स्ट्रेटजी बजी, बट दिस टाइम अराउंड तो मैंने कहा बजी देखो क्योंकि देखें अल्टीमेटली मेरी बहन अगर आप देखें तो इंडिया इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग स्क्वाड। अगर आप ये देखें कि इंडिया साहब पूरी कैलकुलेशन के साथ आ रहा है, बैट्समैन के पूरे हैं, बॉलर उनके पास पूरे हैं, पिछली बार में सेम चीज बोली थी कि स्ट्रांग टीम है टोटका ही, हमेशा इंडिया को स्ट्रांग बोलते हैं और दिल से चाहते हैं पाकिस्तान हरा दे, ओपोनेंट को चढ़ा दे, इतना चढ़ा दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। लास्ट टाइम भी सेम वर्डिंग थी शोएब अख्तर की कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है और इंडिया के पास बहुत प्लेयर्स इन फॉर्म है, पाकिस्तान युवा टीम है, यंग टीम है और जितने और दिल से चाह रहे हैं। अच्छा शकुन नहीं आपके लिए इसका मतलब है फिर? अच्छा अदिति जो मैच जीत जाए क्या लगा वो और शोएब की जानिब चलते हैं। शोएब पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं जो इंजरीज के बाद शाहीन शाह की जो इंजरी हुई है शोएब साहब से स्लेजिंग एक्सचेंज प्लेयर्स के बीच बहुत बहुत रोमांच लेकर आते हैं, एंटरटेनिंग वैल्यू होती है उसकी एंटरटेनमेंट की। शोएब जी सवाल क्या आपका? सॉरी सवाल यही है कोई ऐसा बेंटस वो तो हमें पता है वीरू ने आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, उसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट जो किसी को ना पता हो आज आप बड़ा एक्सपोज़े कर दें?
देखिए पहली बात तो ये कि अगर ये चीज उसने कही होती है मेरे मुंह पे कही होती तो वो बचता बिल्कुल भी ना। मुझे नहीं पता उसने कब कहा किस वक्त कहा ये मुझे नहीं पता। और मैंने बांग्लादेश में उससे पूछा भी था ये बात तो स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। गौतम गंभीर से मैंने पूछा मैंने कहा ये कह रहा है ये नहीं दी ये बात ठीक है। कहता यार मैंने नहीं दी साफ मुकर गया था मेरे ख्याल में क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे। दूसरी बात ये है कि देखें आप हमारे लिए काबिल एहतराम मैं हमेशा ये बात करता हूँ आप जरूर प्रोग्राम कीजिए आप जरूर बातें कीजिए खुश होइए बड़ा खुशी का मौका है लेकिन आप काबिल इज्जत लोग हैं और मैं हमेशा इंडिया टीम की इज्जत भी करता हूँ आप लोगों की इज्जत भी करता हूँ और मेक श्योर करता हूँ ऐसी बात ना करूँ जिससे आपकी दिल आजारी हो। और मेरे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बेस्ड इन इंडिया और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि जिससे आप दोनों मुल्कों में ज्यादा फासले ना बड़े बल्कि कम हो। और आई एम नॉट लाइकिंग दिस वन बिट बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू उसने ये कहा उसने ये किया उसने वो किया। लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये जिस तरह ये प्रोग्राम होता है मुझे नहीं अच्छा लगता है कि एक दूसरे को हिट करना या नंबर बनाना या ये बताना मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी या कहते हैं मैं बहुत बड़ा भारतीय आदमी हूँ। सो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी देखें कि जब हमारा मैच हुआ करता था इंडिया से ऑब्वियसली देर इज इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर बिल्ड हो जाता था कि वो इसलिए होता था कि हमारे करीब के दोस्त माँ बाप बहन भाई हमारे दोस्त ये सारे कहते थे भाई मेरी बात सुनो जो मर्जी हो जाना मुल्क में वापस नहीं आने देंगे मैच नहीं हारना आपको ठीक है। अब सिर्फ इतना कह देना उनके लिए काफी था हमारी जान मुसीबत में फंस जाती थी हम ही कहते यार अब करेंगे क्या। सो लकीली हमारी टीम बहुत तगड़ी थी हमारा बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा था 97-98 में। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सकलैन है मैं हूँ अफरीदी अरजाक है वसीम भाई हैं वकार हैं सईद अनवर इंजमाम आमर भाई भी थे उस वक्त। सो मेरा ये था कि यार कि देखें आप जब अंदर जाते हो तो आप मेक श्योर करो कि जो आपको आता है आपको डिलीवर करो इट्स वेरी सिंपल एज बाकी आप सोचो नहीं यार। बिला शुबा ये बात सच है कि हर बंदा ट्विटर देख हर बंदा अपनी फुटेज देखता है हर बंदा टीवी देखता है अदिति क्या कह रहे हैं कैफ क्या कह रहे हैं वो प्रेशर ऑब्वियसली आप अनइंटेंशनली अपनी टीम पे डाल देते हैं। लास्ट टाइम ही मैंने कैफ से कहा था कि कैफ आपका मीडिया आपकी टीम की ओर इतना बड़ा प्रेशर डाल देता है कि नॉट नोइंगली वो इतना प्रेशर माउंट कर देते हैं। और दूसरा पर जो टिकते हैं मैंने पिछले दौर देखा पूरा दुबई वॉज बॉट बाई इंडियंस और मुझे वही समझ आ गई थी कि इस वक्त इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर और पाकिस्तान अंडरडॉग्स हैं और पाकिस्तान ने फिर वो फेंटा लगाया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं था इसलिए प्रेशर नहीं था कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू लूज। ठीक है जी क्वालिटी जो विराट कोहली में नहीं है लेकिन बाबर आजम में है और एक वो क्वालिटी जो विराट कोहली में है लेकिन बाबर आजम में नहीं है। देखिए एज ए क्रिकेटर मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले भी देखिए बाबर ने बैट किया मैंने भी वीडियो बनाई विराट कोहली के हक में इसलिए बनाई कि वो एक बड़े प्लेयर हैं मॉडर्न डे के ग्रेट हैं और बाबर भी ऑन द वे है टू बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप उसकी टेक्निक देखें उसकी फॉर्म देखें बेस्ट कवर ड्राइव्स इन द वर्ल्ड देखें वो बाबर आजम की। विराट कोहली के पास पैशन है रिकॉर्ड्स हैं सेंचुरीज हैं विल टू प्रूव पीपल रॉन्ग वो भी उनके पास है वो भी यही चाहते हैं कि वो मैंने मेरा यही मशवरा होगा विराट कोहली के पास अब दोनों के पास सब कुछ है ऐसा ना कहें कि किसी के पास वो बाबर के पास जो चीज है वो विराट के पास दोनों के पास सब कुछ है। अब बात सिर्फ रह गई है फॉर्म की। आप देखें इंसान है विराट कोहली कोई लोहे का तो नहीं बना होगा हर रोज रन करेगा हर रोज आपको मैच जिता के देगा लेकिन कितने मैचेस उसने जिता के दिए और वो बड़ा काबिल एहतराम है हमारे लिए हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी इसलिए करते हैं कि यार वो उसने क्रिकेट में एक नई जान डाली चेस में वो लास्ट 10 ईयर्स उससे बड़ा प्लेयर को नहीं आया। तो ये बात आप जहन में रखते हुए और हम एज अ पाकिस्तानी हम हमेशा बैक करते हैं एज अ क्रिकेटर टैलेंट को बैक करते हैं और एज अ नेशन भी हम दूसरी कौम की बड़ी इज्जत इसलिए करते हैं कि हमारा मिजाज ऐसा है कि हम आउट ऑफ रेड लाइन क्रॉस नहीं किया करते। दूसरी बात यह है कि देखें विराट कोहली को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। देखें आमर भाई बैठे हुए हैं कैफ बैठे हुए ये बैटिंग जानते हैं देखें मार के निकलने का कोई रास्ता नहीं यहाँ पे जब तक विराट कोहली अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अपना 2-3 ओवर नहीं खेलेंगे अपने आप को फ्लो में नहीं लाएंगे बॉल बल्ले पर लगना नहीं शुरू होगा तब तक शॉट्स ऑन नहीं होते। T20 फॉर्मेट इतना छोटा है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता लेकिन फिर भी अगेन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम और मुझे ये लगता है कि पूरी फोकस तरीके से वो बाहर है कप्तानी का प्रेशर उन पे हट चुका हुआ अब मुझे लगता है कि वो अपने आप को टाइम देंगे फोकस करेंगे विकेट पर रहने की कोशिश करेंगे
और ये भी ध्यान में रखेंगे कि स्ट्राइक रेट नीचे ना चला जाए उनकी वजह से और हिंदुस्तान टीम फंस ना जाए स्ट्राइक रेट की वजह से। दूसरी बात यह पाकिस्तान मुझे लगता है अगेन क्योंकि पाकिस्तान के ये होम ग्राउंड है, आप ये जानते हो कि हम यहाँ सदियों से खेल रहे हैं, हम पिछले 15-20 साल या 25 साल और इफ नॉट 85 से हम यहाँ शारजा दुबई में खेल रहे हैं, हमें ये एग्जैक्टली पता है कि हमें किस वक्त बैटिंग करनी है, क्यों करनी है। यहाँ पर पाकिस्तान विल बी चेसिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान विल बी चेसिंग एंड ट्राइंग टू एक्सपोज इंडियन बॉलिंग लेटर पार्ट ऑफ द डे, क्योंकि फिर बैटिंग में बात नहीं करता, कैप आपको बताएंगे और आमद बताएंगे, आमद भाई बताएंगे आपको, क्योंकि देखिए बहरहाल ड्यू हो ना हो शाम को बॉल थोड़ा सीम तो करता है लेकिन बड़ा मजे का आके लगता है, दुबई में थोड़ा बॉल रुक के आता है, थोड़ा दिन में थोड़ा सा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जूस होता है स्पिनर्स के लिए, बॉल रुक जाता है कभी स्किट कर जाता है कभी, शाम के वक्त ना स्पिनर्स का बॉल स्पेशली वो बल्ले पे आकर थक करके लगता है। तो पाकिस्तान बैट्समैन इन माइंड लास्ट मैच पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला चेस करेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड सिलेक्टिंग द बॉल फर्स्ट। आप ऋषभ पंत को बोल रही हैं, वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, वो बड़ा नडर आदमी है, वो उसको कुछ समझाने वाला भी नहीं है और ना वो किसी को समझ में आने वाला भी नहीं, वो बहुत फेंटा लगाता है, प्लस हार्दिक पांड्या इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि उनको जो उनको एक स्ट्रगल में रखा गया 1.5-2 साल से, मैं उनको बड़ी दफा जब मैं उनसे मिला भी तो मैंने उनको समझाया कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, एज ऑलराउंडर आप बहुत बड़े एक ऑलराउंडर बन सकते हैं लाइक कपिल देव, आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, देखो वो स्टार्ट टेकिंग विकेट्स नाउ और स्टार्ट बैटिंग नाउ, हो जाता है बचपना है थोड़ा सा फोकस आउट हो गया होगा, बट जो भी T20 मैच जीतते हैं कैप जानते हैं आप सब लोग हसन बैठे हैं सारे जानते हैं जी। जो तीसरा चौथा नंबर होता है चौथा पांचवा नंबर होता है T20 में वहां मैच फंसते हैं और वही प्लेयर जिताते हैं जो बड़े तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और अच्छा खेलने वाले होते हैं। आसिफ ले लें आप, मोहम्मद आसिफ को ले, आसिफ को आसिफ अली को ले लें, आसिफ अली वो डेंजरस प्लेयर है जो आपके स्पिनर को एक्सपोज करेगा, वो एट विल छक्के मारता है, वो एट विल बड़े डर्टी बैटिंग करता है, तो इसी तरह हार्दिक पांड्या भी और पंत भी और रोहित शर्मा अगर वो अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हो, कुछ बड़ा आपकी मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़नी। अच्छा शोएब भाई विराट एक और चीज भी है, राहुल रोहित शर्मा ये जो है ना ये एक बहुत बड़ी बेस अगर सेट करने में कामयाब हो जाते तो हम फंस जाएंगे। शोएब भाई गेंद यहां पे बेयरिंग दैट इन माइंड चेंज ऑफ रिदम भी नहीं है लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग विल अटैक, पाकिस्तान बॉलिंग रन रोकने जाएगी, विकेट ले जाएंगे। देखा है दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के बीच हमने एक तरह की दोस्ती देखी है, जो बैंटर और एक तरह की स्लेजिंग की बात पहले की जाती थी वो अब हम दोनों टीमों के रवैये में नहीं देखते हैं। जैसे हमने देखा रोहित शर्मा गए पाकिस्तानी फैंस को, एक फैन थे उन्हें हक किया डिस्पाइट द बैरियर इन बिटवीन, पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली के लिए प्रे कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स विराट कोहली के लिए प्रे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दो फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर की बात हम वर्ल्ड कप की जब बात कर रहे हैं, एक चीज जिसे लेकर इंडियन टीम को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, एक आ गया था जो पाकिस्तानी टीम थी वो ज्यादा भूखी दिखाई दी, और दूसरी बात प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं, इन दो जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है और आप भी प्रेशर को लेकर कई बार बोले हैं बहुत कुछ आपने कहा है, तो जब टीम मीटिंग्स होती है और प्रेशर की बात होती है और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा उसमें मीनिंग निकाले जाते हैं, वो सिर्फ एक गेम के तौर पे नहीं देखा जाता, तो जब वो टीम प्रिपेयर कर रही होती है जब टीम मीटिंग्स होती हैं वहां पर इस प्रेशर को लेकर बात होती है क्या? अच्छा बड़ी मेहरबानी। देखें टारगेटेड प्लेयर तो होते हैं, ये बात तो सच है कि मैंने सचिन से भी सुना लक्ष्मण से भी सुना कहते हैं कि यार शोएब हम तुम्हें जोर से देखते थे सुबह, तुम वार्म अप कैसे करते थे, अगर तुम अपना वार्म अप अच्छा करते थे तो हमें लगता था यार कि आज तुम बड़े तगड़े मूड में आए हो, तो हम टारगेट जरूर करते थे कि शोएब को कैसे खेलना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। भारत पाकिस्तान का जो मैच है ऑब्वियसली आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है दोनों टीमों पर और कमबैक नहीं होते हैं। कमबैक मतलब अगर एकदम से भारत के जैसे 3 विकेट गिर गए उसके बाद भारत सोचे कि यार 170 बना के मैच जीत जाए तो फिर वो नहीं होता है यार, ऐसा हुआ है भारत पाकिस्तान के मैच में, ऐसा हुआ है कमबैक नहीं होता है। आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के एकदम से विकेट गिरे, फिर मुझे लगा कि यार युवराज धोनी जमेंगे पार्टनरशिप बनेगी, नहीं वो विकेट गिरते ही गए। हार्दिक पांड्या जड़े जाए थोड़ा सा, हार्दिक पांड्या ने
छह छक्के मारे, 6 या 7 छक्के मारे। लोगों को लगा कि ये मैच जिता देंगे, लेकिन वो वैसा नहीं होता। वहाँ से भी 180 रन बनाना पड़ता, हार्दिक पांड्या को ऑलमोस्ट 200 रन बनाने पड़ते अगर मैच जीतना होता तो वो इम्पॉसिबल सा ही टारगेट था। जैसे समझ सकते हो आप क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो कमबैक्स नहीं होते हैं भारत पाकिस्तान के मैच, बहुत प्रेशर वाले होते हैं और सीन ऐसा ही कुछ होता है। तो अब आप देख सकते हो कल का जो मैच है, बड़ा मैच है, भारत पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप में शायद अगर भारत पाकिस्तान दोनों अपने मैचेस जीतते हैं तो 3 मैच हो सकते हैं, भारत पाकिस्तान का फाइनल भी हो सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक भारत पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं जिनको मैच देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है 3 मैच देखें। आज भारत पाकिस्तान जिस ग्राउंड में खेलेंगे उस ग्राउंड में आज एक मैच हुआ है श्रीलंका और अफगानिस्तान का। श्रीलंका बिल्कुल यार मतलब बहुत गंदा चोक किया श्रीलंका ने यार, अभी इन्होंने T20 सीरीज़ जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ये इन्होंने चोक कर दिया, तो बड़ा ही अजीब सा लगा। मतलब आप समझ सकते हो श्रीलंका बड़ी टीम है, अफगानिस्तान भी टीम अच्छी है, बट इतना बुरी तरह से नहीं हारना चाहिए। तो थोड़ा सा श्रीलंका के लिए मैं निराश हूँ। और भारत पाकिस्तान के मैच से पहले आपको बता दूँ कि दोनों टीम के मेन बॉलर बुमराह और वहाँ से शाहीन अफरीदी नहीं है, तो बॉलर्स जो अभी शायद पाकिस्तान का एक और कोई बॉलर है मेरे हिसाब से वसीम जूनियर नाम है उनका, शायद वो भी इंजर्ड हो गए। हालांकि ये सब नए बॉलर हैं, अभी उनके पास एक ही बॉलर है जिसको लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में खेला था हमने, हारिस राउफ नाम था, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, और शादाब खान है। बाकी शायद अब देखते हैं कौन